नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हमारा पाठ क्रमांक 2 सुभागी। हाँ, कौन सा सुभागी? यह जो हमारा पाठ है उसकी हम आज जानकारी देखने वाले हैं। तो चलो, इसका ऑलरेडी हमने प्रकट वाचन किया है, इसके शब्दार्थ भी लिखे हैं, अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी देखते हैं। तो चलो शुरू करो। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में निपुण थी। देखो, तुलसी महतो एक किसान थे। उन्हें एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की का नाम सुभागी और लड़के का नाम रामू था। वह सुभागी बचपन से ही क्या करती थी, अपने माँ और पिताजी को उनके काम में मदद करती थी। देखो, और जो लड़का है वो लड़का कामचोर था। कैसा था? कामचोर था। देखो, उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लगा। देखो, बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी। किसकी? सुभागी की और रामू की भी। लेकिन बचपन में ही उस पर एक विपदा आ गई। वह विपदा यह थी कि वह विधवा हो गई, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और वह अपने माँ और पिताजी के घर आकर रहने लगी थी। आगे देखो क्या हुआ है। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता। तो क्यों सोच विचार करते हो? गांव के लोग बोलने लगे, किसको? तुलसी महतो को, कि सुभागी की दूसरी शादी कर दो, आजकल इसे कोई भी बुरा नहीं मानता। विधवा ने अगर दूसरी शादी की तो आजकल इसे कोई भी बुरा नहीं मानता, तो आप क्या कर दो, सुभागी की दूसरी शादी कर दो। आगे देखो। तब तुलसी महतो ने क्या कहा है, देखो भाई, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। गाँव वालों को वे बोलते थे, कौन? तुलसी महतो, कि मैं तो तैयार हूँ लेकिन सुभागी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। हरिहर गाँव का एक व्यक्ति, गाँव का एक आदमी सुभागी को समझा रहा है कि बेटी हम सब तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, तो तुझे तू क्या कर, दूसरी शादी कर। तब वह क्या बोलती है, देखो, हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा कि बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। गांव का एक आदमी हरिहर उसे समझा रहा है कि बेटी अब तेरे माँ और तेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए तू अभी क्या कर, दूसरी शादी कर। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। देखो, सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर शादी को मुझे न कहो। वह उस हरिहर को बता रही है, हरिहर नामक आदमी को बता रही है क्या, कि मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे दूसरा और कोई भी काम करना पड़ा तो भी मैं उसे हंसते हंसते पूरा कर दूँगी, लेकिन मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। अब आगे देखो। उजड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठे बैठे मौज करूँगी तो इस भरोसे न रहना। रामू बोल रहा है कि तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि भैया कमाएगा और मैं घर में बैठकर खाऊंगी, सिर्फ खाना खाने का काम करूंगी, तो ऐसा मत समझ, ऐसा नहीं होने वाला है। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी माँ बाप के साथ रहने लगी। आगे देखो। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात को उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। देखो, सुभागी बचपन में ही क्या क्या काम करने लगी है। वो खेती का काम कर रही है, वो गोबर थापने का काम कर रही है,
चौका बर्तन कर रही हैं, सुबह जल्दी उठकर कुटने पिसने का काम करने लगी हैं, बहुत सारा काम करते हैं कि सुबह जल्दी उठकर खेती में जाती है और खेती से लौटकर दोपहर को लौटकर वो क्या करती है, जल्दी जल्दी खाना पकाकर घर वालों को खिला रही है, माँ और पिताजी को खिला रही है। आगे देखो, रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उनकी देह दबाती, जहाँ तक उसका बच चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। देखो, वह अपने माँ बाप को पूरा का पूरा आराम लेने देना चाहती है। वह उसके साथ साथ वह और क्या करती है, अपने माँ के सिर पर तेल डालती हैं, उसकी देह दबाती हैं। भाई को न रोकती, सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता, अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती हैं। रामू को ये सारी बात बहुत बुरी लगती थी, क्या कि वह माँ और पिताजी को कुछ भी करने नहीं देती और मुझे काम पर लगा देती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया और सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग होकर रहती, तब सेवा करो तो मालूम होगा कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। रामू बोल रहा है अपनी बहन को, सुभागी को, कि तुझे अगर उनकी सेवा करना इतना पसंद है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं रहती, जब अलग रहोगी तब तेरे समझ में आएगा कि सेवा कैसी होती है, मीठी होती है या कड़वी होती है। आगे देखो, दूसरों के बल पर वाह वाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। रामू बोल रहा है सुभागी को, मैं काम कर रहा हूँ, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इसलिए तुझे वाह वाही मिल रही है, शाबाश की मिल रही है माँ और पिताजी से। खुद के बल पर कर, सब कुछ खुद के बल पर कर, तब तेरे समझ में आएगा कि ये सेवा मीठी होती है या कड़वी होती है। आगे देखो, सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे, महतो से न रह गया, बोले, क्या है रामू, सुभागी से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। पिताजी से रहा नहीं गया, इसलिए वे बोले रामू को कि रामू, तू सुभागी को क्यों डांट रहा है, तू उसके साथ झगड़ा क्यों कर रहा है। तब रामू उन्हें बोलता है कि आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों का चल रहा है, हम देख लेंगे। देखो तब तुलसी क्या बोलते हैं, देखो, जब तक मैं जीवित हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। पिताजी बोलते हैं रामू को कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तू सुभागी को कुछ नहीं बोलेगा, तूने क्या कर दिया है, उसका घर में रहना मुश्किल कर दिया है, तुझे उसे कुछ भी नहीं बोलना है। तब रामू क्या बोलता है, देखो, आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता, और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाना चाहता है। लेकिन पिताजी क्या बोलते हैं, देखो, तब तुलसी बोलते हैं, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा, मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। देखो रामू बोल रहा है कि अगर आपको सुभागी प्यारी है, आपके पिताजी को बोल रहा है, अगर आपको सुभागी प्यारी है तो उसे ही लेकर बैठो, उससे ही सब करवा लो, मैं अलग होना चाहता हूँ, मुझे एक साथ नहीं रुका जाता, मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, मैं अलग हो जाना चाहता हूँ। तब तुलसी महतो बोलते हैं, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं क्या करता हूँ, कल ही गाँव वालों को बुलाकर बंटवारा करने को कहता हूँ। देखो, रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए खर्च कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की थी। देखो यह सारी बातें उनको याद आई है, तुलसी महतो को याद आई है कि जब रामू का जन्म हुआ, जब रामू पैदा हुआ तब उन्होंने क्या किया था, उसका जन्मोत्सव घर में रुपए नहीं थे फिर भी कर्ज लेकर किया था, मनाया था,
सभी गांव वालों को भोज दिया था, धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया था। और जब सुभागी का जन्म हुआ तब उनके घर में पैसे होते हुए भी उन्होंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, जन्मोत्सव नहीं मनाया है। देखो, पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड, लेकिन वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय निकला। कौन सोच रहे हैं? तुलसी महतो सोच रहे हैं। आगे देखो, दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। कौन बोल रहे हैं? तुलसी महतो बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? गांव वालों को बोल रहे हैं। क्या? कि अब रामू का और हमारा एक ही घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अलग होना चाहता हूँ। मेरे पास जो भी कुछ संपत्ति है उसका बंटवारा कर दो, हा? और मैं अलग होना चाहता हूँ। देखो आगे, देखो, गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। कौन बोल रहे हैं? गांव के मुखिया यानी गांव के प्रमुख सज्जन सिंह। उन्होंने रामू को पास बुलाया और वे उसे बोलने लगे, क्यों जी, तू माँ और पिताजी को अलग करना चाहता है? उनसे तू अलग रहना चाहता है? हाँ, यह अच्छी बात नहीं है। तब वो क्या बोलता है, देखो, रामू ने ढिटाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। रामू बोल रहा है, किसको बोल रहा है? सज्जन सिंह को बोल रहा है कि अगर एक घर में हम सबका निर्वाह नहीं हो रहा है, अगर किचकिच हो रही है, अगर झगड़ा हो रहा है, तो अलग रहना ही अच्छा है। ऐसा कौन बोल रहा है? रामू बोल रहा है। आगे देखो, यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, अब तुलसी क्या बोल रहे हैं, देखो, तुलसी महतो बोल रहे, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेतीबाड़ी लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वही कमाता खाता, भगवान ऐसा बेटा बहनी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। तुलसी महतो बोलने लगे गाँव वालों को, आपने इसका मिजाज देखा, इसका स्वभाव आपने देखा, हा? मेरे बेटे को भगवान ने दुख दे दिया है, इसलिए मैं उसे लेकर अलग रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे खेतीबाड़ी चाहिए, नहीं तो मैं खेतीबाड़ी लेकर क्या करता, हा? मैं जहाँ मिलता वही खाता वही रहता। ये ऐसा बेटा भगवान बैरी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ऐसा बेटा भगवान ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। कुलवंती यानी योग्य। आगे देखो, सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। देखो, सुभागी वहां आकर अपने पिताजी को बोल रहे, दादा, यह जो बंटवारा हो रहा है यह मेरे कारण ही हो रहा है, तो आप क्या कर दो, मुझे ही अलग कर दो। हाँ, तब तुलसी महतो कहते कि नहीं बेटी, जब तक हम जीवित है हम तुझे अलग नहीं कर देंगे चाहे संसार छूट जाए। आगे देखो, गांव में जहां देखो सबके मुंह में सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते, यह इस जन्म की देवी है। देखो, सब लोग सुभागी की वाह वाही कर रहे हैं, उसे देवी समझ रहे हैं। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। अब आगे देखो क्या हुआ है, अब उनका बंटवारा हुआ है, वे अलग अलग रहने लगे हैं, तब क्या हुआ है, देखो, 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ है। लक्ष्मी बैठी रो रही हैं। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया, चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। सुभागी दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई और भाई को बता रही है, रामू को बता रही है कि भैया चलो, दादा देखो कैसे कर रहे हैं, हाँ,
उन्हें बहुत जोर से ज्वर आया है, बुखार आया है, तो देखने के लिए चल। तब रामू क्या बोलता है, देखो रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो? कौन बोलता है? रामू बोलता है। आगे देखो, सुभागी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। सज्जन सिंह जो गांव के मुखिया थे। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महत्व की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचे तो महत्व की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी, समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? देखो, जब सज्जन सिंह तुलसी महतो को देखने के लिए गए, तब उन्होंने उनकी नाड़ी देखी तो नाड़ी बहुत ही धीमी चल रही थी। तब वे समझ गए कि अब उनके दिन पूरे हो गए हैं, उनके जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। और फिर भी उन्होंने सज्जन सिंह ने तुलसी महतो को पूछा, क्या पूछा है कि अब तबीयत कैसी है? तो वे क्या बोलते हैं, देखो महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है, अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अब मैं जाने वाला हूँ, ये संसार से मुक्ति लेने वाला हूँ। सुभागी के पिता, अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? तुलसी महतो। किसको? सज्जन सिंह को, कि मैं सुभागी को आप पर आपके हाथ में सौंप कर जा रहा हूं, अब उसके पिताजी आप ही हैं। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी प्रकट कर दो। महतो ने विनीत नेत्र से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रहे। सज्जन सिंह, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चुप हो क्षमा कर दो। तब महतो क्या बोल दे, देखो नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। सज्जन सिंह बोले कि मैं रामू को बुला कर लाता हूँ, उसे जो भी कुछ चुप भूल हुई है उसे माफ कर दो। लेकिन तुलसी महतो बोल रही कि नहीं, मैं अभी उसका मुंह देखना नहीं चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, न वह मेरा पिता है न मैं उसका पुत्र हूँ। देखो, तुलसी महतो की मृत्यु हो गई है और गांव के लोग रामू को बुलाने गए हैं अंतिम संस्कार के लिए, जो पुत्र के हाथ से करते हैं, लेकिन वह अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया है। उसने गांव वालों को कहा कि मैं ना ही उनका पुत्र हूँ और वे ना ही मेरे पिता हैं। आगे देखो, लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपये जमा कर लिए थे। जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। तेरहवीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाह वाही मच गई। देखो, तेरहवीं के दिन सुभागी ने क्या किया है, सज्जन सिंह से कुछ पैसे लेकर उसने तेरहवीं का जो कार्यक्रम था वह पूरा कर लिया है, जो अंतिम कार्यक्रम था वह पूरा कर लिया है और सारे गांव वालों को उसने भोजन खिलाया है। तब सारे गांव वाले सुभागी की वाह वाही करने लगे हैं। आगे देखो, पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी, केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर बोला, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम कर लेना। कौन बोल रहे हैं? सज्जन सिंह बोल रहे हैं। किसको? सुभागी को, कि अब तू भी सो जा, ये सारा जो काम है ये सुबह जल्दी उठकर कर। तब वह क्या बोलते हैं, देखो सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन सिंह, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यों ही।
आगे देखो सज्जन सिंह क्या क्या बोलते हैं, कोई 3,000 रुपये होंगे। सुभागी ने सकुचते हुए कहा, मैं इन रुपयों के देनदार हूँ, कर्जदार हूँ, मैं ये रुपये आपको लौटाना चाहती हूँ। तब आगे देखो, पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कवर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? देखो अब लक्ष्मी की भी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है, हा? उसका दाना पानी छूट गया है, हा? वो नहीं खाना चाहती। वो तो बोल रहे कि 50 साल ऐसे गए कि उन्होंने खाए बिना मैं नहीं खाती थी, हा? तो अब कैसे खा सकती हूँ। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्दी ही खाट पर डाल दिया। देखो वो भी बीमार पड़ गई, उसे खांसी आने लगी। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ भी बीमार पड़ गई है, अगर बाहर जाए तो माँ अकेले रहती हैं, उनके पास बैठे तो बाहर काम कैसे करें। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। सुभागी समझ गई अब माँ भी बीमार पड़ गई है, अब माँ के साथ भी यही होने वाला है जो पिताजी के साथ हुआ, हा? क्योंकि जो पिताजी को ज्वर था यही ज्वर माँ को भी है। गांव में और किसे फुर्सती की दौड़ धूप करता, सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। देखो सज्जन सिंह दोनों वक्त आकर लक्ष्मी को देखकर चले जाते थे, दिन ब दिन लक्ष्मी की हालत जो थी, दशा थी, वह बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि पंद्रहवें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई, मेरा क्रिया कर्म तुम्ही करना, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। देखो वो अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करके चली गई, कौन? लक्ष्मी, सुभागी की माँ, हाँ, क्या कि अब मैं भी संसार से जाने वाली हूँ और मेरे जाने के बाद मेरा जो अंतिम क्रिया है, वो अंतिम कार्य है, वो तू ही कर, हाँ, और अगले जन्म में तू फिर से मेरे कोख में ही जन्म ले। कौन बोल रही है? लक्ष्मी बोल रही है, किसको? सुभागी को। आगे देखो, माँ के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा, उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती, 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती, इसमें कभी नागा नहीं होती। देखो माँ का देहांत हुआ, माँ का क्रियाकर्म होने के बाद उसने सिर्फ क्या समझा है, मैं कर्जदार हूँ, मुझे सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना है, सारे पैसे लौटाने हैं। तो वह क्या करने लगी, रात दिन मेहनत करने लगी, बहुत काम करने लगी, हाँ, और उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने लगी, रात को आटा पीसती थी और महीने के 30वें दिन 300 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास जाती थी और वह उन्हें देती थी, हाँ। आगे देखो, अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, जिसके घर सुभागी जाएगी उसके दिन फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। देखो गांव के सभी लोग उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे लेकिन वह राजी नहीं होती थी, वो उनको जवाब देती थी कि वे दिन अभी तक नहीं आए हैं। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किश्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था, आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया है। देखो जब सज्जन सिंह के बचे हुए अंतिम पैसे जब उसने सज्जन सिंह को दिए तब वह बहुत खुश हुई, हाँ, तब जैसे कि उसका व्रत पूरा हो गया है। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा,
बेटी तुमसे एक प्रार्थना है। कहो। कहूँ? कहो न कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन सिंह बोलते हैं, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो, कहूँ? सुभागी ने, आपकी जो आज्ञा हो कहिए। सज्जन सिंह बोलते हैं, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर नहीं दिखाऊंगा। सज्जन सिंह बोलते हैं सुभागी को कि अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे फिर से मेरा मुंह कभी भी नहीं दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह बोलते हैं, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सज्जन सिंह ने सुभागी के सामने प्रस्ताव रखा है, शादी का प्रस्ताव रखा है, घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखा है। तब आगे सुभागी देखो क्या बोलती है, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। तब सज्जन सिंह क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो, तुम साक्षात भगवती लक्ष्मी का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? कौन बोल रहे है? सुभागी बोल रहे हैं, मैं तो आपको मेरे पिताजी समझती हूँ, तो मैं आपका हुक्म नहीं टालती। यानी वह शादी के लिए तैयार हो गई है। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझ जैसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? वो बहुत खुश हुए हैं, सज्जन सिंह बहुत खुश हुए हैं, और वे सुभागी को बोल रहे हैं कि सुभागी बेटी तूने मेरी बात मान ली तो इस संसार में मेरे जैसा और दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तूने मेरी बात मान ली है। इसी प्रकार दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी सुभागी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।